इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। इसमें हिंदुस्तान का भविष्य लिखा है। मुझसे कहा गया था कि ये मैं आपको दे दूं। किसने कहा? माउंटबेटन ने? नहीं, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे एक खास काम सौंपा गया है। मैं हिंदुस्तान का आखिरी वाइसरॉय रहूंगा और मैं बड़े ही फक्र के साथ ये भूमिका निभाऊंगा। तुम आने वाला कल ला रहे हो? हम ला रहे। तो कहीं बात और बिगड़ ना जाए। ओ लाल मेरी पद। ये यहाँ नया है सर, जीत कुमार। माउंटबेटन साहब हमारे लिए एक मिसाल हैं और अब वो हिंदुस्तान को आजादी दिलाएंगे। बेहतर है कि हुकूमत के करीब रहकर नजर रखी जाए। आलिया, दमा दम मस्त कलंदर, मैं तुमसे शादी करूंगा। अली दम दम दे, क्या ये हो सकता है कभी? तुम्हें अपने लोगों के साथ डांस करना चाहिए, ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो। वैसे आपको क्या ऑर्डर्स मिले हैं? यही कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाओ, जितना शांति पूर्वक उतना अच्छा। 30 करोड़ हिंदू और सिख एकजुट हिंदुस्तान चाहते हैं, पर 3 करोड़ मुसलमानों में से कई ऐसा नहीं चाहते। जिन्ना से आप कहिए कि पहली सरकार वो बनाए। बाबूजी ये मुमकिन नहीं है। कभी कभार सर्जरी ही मरीज को बचा सकती है। इस फैसले का अंजाम जानते हो? ये लोगों की जिंदगियों को चीर कर रख देगा। हम हिंदुस्तान को उसकी आजादी लौटाने आए थे, ना कि उसके टुकड़े करने। हर एक को तय करना होगा कि आप किस मुल्क के बाशिंदे बनेंगे, हिंदुस्तान या पाकिस्तान। हमें अलग मुल्क नहीं बनाना। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम सभी भाइयों की आत्माएं एक हैं। धर्म के नाम पर हमें बांटना ईश्वर की मर्जी के खिलाफ है। नेहरू और गांधी ने कभी कदर नहीं की मेरी या मेरी राय की। उस लड़की से बात की है? नहीं, वो हमेशा के लिए जा रही है, मुझे छोड़कर पाकिस्तान। नए मुल्क कभी अमन में पैदा नहीं होते। तो ये है जिना की जिद की वजह। आखिर किसी ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आपके हाथ खून से रंग गए हैं। बड्डी की तलवार तो आपके हाथ में है। प्लान का नाम याद दिलाऊं? द माउंट बैटन प्लान।